بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد عرفان الخطيب باي دارس كان سكول جلال پپین والا سے لیکچر کمپیوٹر فرسٹ ایئر کلاس جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از کمپیوٹر ڈسکس پرائمری کمپوننٹ آف کمپیوٹر سسٹم. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں کمپیوٹر کی ڈیفینیشن. کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین دیٹ کین بی پروگرام ٹو ایکسپٹ ڈیٹا پروسیس ڈیٹا ان ٹو useful information, store it for later use. Computer is an electronic, computer is an electronic machine. All a device hai koi. That can be programmed to accept data. That can be programmed, matlab ek isme the software hota hai jo ki data ko accept kar, that can be programmed to accept data, process data into usable information. Jaise ki maine yahan structure banaya hai, sabse pehle hum data enter karte hain, koi bhi data ho इनपुट करते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा है दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा. डेटा इनपुट जो कोई डेटा होता है कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो इनपुट हो जाता है. एक्सेप्ट हो जाता है जब इनपुट होता है वो डेटा खुद को कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इनपुट हो जाता है. फिर उसके ऊपर सर्चिंग नंबर उसका प्रोसेस करता है. प्रोसेस के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आता है जिसको हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं. डेफिनेशन भी दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, यहाँ से डेटा हमारा एक्सेप्ट होगा एंड प्रोसेस डेटा पे प्रोसेस होगा and into useful information, फिर हमारे पास information आएगी, output आएगा. output के बाद जब हमारे पास output आए फिर हम उसे store कर सकते हैं, बाद में इस्तेमाल करेंगे, store it for later use जैसे मैंने लिखा है. तो computer is a combination of software and hardware. computer इन दो चीजों से मिलकर बना है, software और hardware. hardware और software, अगर इनमें से hardware हो या software हो दोनों तो computer चल सकता है. अगर इनमें से सॉफ्टवेयर ना हो या हार्डवेयर ना हो कंप्यूटर कैन नॉट बी. अब देखिए द मशीन इज नोन एज हार्डवेयर. मशीन को हम हार्डवेयर का नाम दिया है एंड सॉफ्टवेयर इज नोन एज एंड प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर. मशीन को हमने हार्डवेयर का नाम दिया और प्रोग्राम को हमने क्या नाम दिया, सॉफ्टवेयर का नाम दिया. तो प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम चार तरह के कंपोनेंट है. सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड आउटपुट डिवाइस, फोर्थ स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस की तरफ आते हैं एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर. कोई भी चीज हम कंप्यूटर को जो देते हैं क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं. इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर. मतलब डाटा को कंप्यूटर में इंटर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, इनपुट डिवाइस. Such as keyboard, mouse, another thing जितनी भी डिवाइसेज हैं, मतलब इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड के जरिए जैसे कि डाटा एंटर करते हैं, टेक्स्ट डाटा और माउस है क्लिकिंग अनदर काम अनदर वर्क करता है, जितना भी काम करता है इनपुट डिवाइस से होता है. अब इनपुट डिवाइस जो हम कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने के लिए आला इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं, इनपुट डिवाइस. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस दो एग्जांपल लिए काफी हैं. कीबोर्ड के जरिए हम टेक्स्ट एडिटर करते हैं, मॉनिटर है, माउस के जरिए कोई क्लिकिंग या अदर काम जितना मन करो करते हैं. इसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा. मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं क्या कहते हैं, प्रोसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस. जैसे मैं यहाँ पे लिखा इनपुट दिया, इनपुट के बाद जो हमारा हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस का वो सारा मल क्या कहलाता है, वो जो प्रोसेस का हम स्टार्ट करता हूँ हमारे पास जो डिवाइस होती है प्राइमरी कंपोनेंट में उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस नाम दिया है. प्रोसेसिंग डिवाइस इज यूज टू प्रोसेस द डेटा, ये डाटा को प्रोसेस करने के लिए कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का नाम भी दे सकते हैं एंड प्रोसेसर नाम भी दे सकते हैं. जितनी भी इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर, प्रोसेस भी कर सकते हैं. तो एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव वन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हर कंप्यूटर एक ना एक हमारे पास क्या रखता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रखता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हमारे डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके आउटपुट में तब्दील करके हमें देता है. तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर. अब इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का इसे दिमाग भी कह सकते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस को. इसके बाद थर्ड अगर बात आ गई आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रोसेसिंग
ऑफ रिजल्ट रिजल्ट मतलब ये रिजल्ट को हम प्रोसेस रिजल्ट को ये शो कर रहे हैं इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा ऑन मॉनिटर और डिस्प्ले डिवाइस मतलब मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइस पे जो चीज डिस्प्ले करता हूं मैं क्या होता है मेरे पास आउटपुट डिवाइस जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने यहां पर ऐसे था मतलब मॉनिटर हो गया स्पीकर हो गया इसके बाद प्रिंटर की सीक्वेंस जो ये सारे हो गए अब इस लास्ट में हमारे पास है स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इनटू द कंप्यूटर जो कि कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के डिवाइस इस्तेमाल करते हैं हमारे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस या सिर्फ प्राइमरी स्टोरेज इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा इनटू द कंप्यूटर टेंपरेरी मतलब डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं टेंपरेरी मतलब आदि तौर पर स्टोर करते हैं एंड स्कैनिंग स्टोरेज डिवाइस जो is used to store the data permanently data ko permanently store karta hai kaun sa scanning device and then scanning storage example ke taur par hum yahan pe dekh sakte hain scan ka hard disk ho gaya hard disk iska naam usb drive another thing jitni cheezon ye sari ye kya kehte hain storage device